बॉक्सिंग की दुनिया में माइक टायसन एक बड़ा नाम है। माइक टायसन अपने उग्र और भयाक्रांत कर देने वाली बॉक्सिंग शैली के लिए जाने जाते हैं। माइक टायसन रिंग के अंदर और बाहर अपने विवादास्पद व्यवहार के लिए मशहूर थे। टायसन का जन्म 30 जून 1966 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। माइक टायसन के नाम सबसे कम उम्र में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन हैवीवेट चैंपियन बनने का रिकॉर्ड है। वह यह तीनों चैंपियनशिप जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। माइक टायसन ने अपने पहले 19 पेशेवर मुकाबलों में नॉकआउट से जीत हासिल की थी। इसमें से 12 मुकाबले तो पहले ही राउंड में खत्म हो गए थे। 1991 में माइक टायसन को मिस ब्लैक अमेरिका पेजेंट कंटेस्टेंट डेसरी वाशिंगटन के बलात्कार के लिए 10 साल की सजा हुई थी और $30,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। इंडियाना यूथ सेंटर में 3 साल 6 हफ्ते की सजा काटने के बाद कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था। डैनी विलियम्स और केविन मैकब्राइड से लगातार 2 नॉकआउट हार के बाद 2005 में माइक टायसन प्रतिस्पर्धी मुक्केबाजी से रिटायर हो गए थे। अपने कई मुकाबलों के लिए $30 मिलियन पाने वाले और कैरियर के दौरान $300 मिलियन प्राप्त होने के बावजूद टायसन ने 2003 में अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। युवा काल में माइक टायसन आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते थे। जेब काटना, दुकानों में लूटपाट करना, मारपीट करने के मामले में वह 13 साल की उम्र तक 38 बार गिरफ्तार हुए थे। 28 जून 1997 को MGM ग्रैंड गार्डन अरेना में हुए हैवीवेट चैंपियनशिप रीमैच में माइक टायसन ने अपने प्रतिद्वंदी इवांडर होलीफील्ड का कान काट लिया था। टायसन ने होलीफील्ड के दाएं कान को इतने जोर से काटा था कि उसका एक टुकड़ा निकल गया था, जो मुकाबले के बाद रिंग के फर्श पर पाया गया था। मैच के तीसरे राउंड में जब टायसन ने होलीफील्ड को पहली बार काटा तो रेफरी ने मैच को रोक दिया, लेकिन मैच दोबारा शुरू होने के बाद टायसन ने दोबारा होलीफील्ड को काट लिया। इस मैच के बाद रेफरी ने टायसन को अयोग्य घोषित कर होलीफील्ड को विजेता घोषित कर दिया था। इस घटना के लिए उन पर $3 मिलियन का जुर्माना और 1 साल के लिए उनका बॉक्सिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। 1998 में एक एक्सीडेंट के दौरान 2 लोगों के साथ मारपीट करने के आरोप में 5 फरवरी 1999 को टायसन को 1 साल की सजा हुई थी। माइक टायसन के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री टायसन मई 2008 को कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई थी। माइक टायसन हॉलीवुड फिल्म हैंगओवर और हैंगओवर पार्ट 2 में अभिनय कर चुके हैं। टायसन को बचपन से ही कबूतरों से बहुत प्यार था। वह बचपन में कबूतरों की रेस कराया करते थे। साल 2011 में माइक टायसन को इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ये थी मुक्केबाज माइक टायसन के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।